चलें फ्रेंड, भी हो चुका है तो अपने ग्रुप में करें, क्योंकि मीटिंग आज से 1 मिनट पहले हाउसफुल हो चुकी है। तो ये जलवा है अपने उमर सर का, जिस तरह की लोग की न्यूज होगी उम्मीद है कि वैसे ही जो उमर सर जाने जाते हैं, और आज हम लोगों नेटली एक से बढ़कर एक न्यूज हम वाले हैं। वेलकम सर। जी, गुड इवनिंग सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। और आज का ये सेशन जो है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त और हिस्टोरिकल होने वाला है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है और वहाँ पे इसको वो बेहतर अंदाज में देख सकेंगे और इस सेशन को कर सकेंगे। इस सेशन को बेसिकली उमर भाई कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आज के दिन में जैसा कि हम अक्सर तवातर से ये जिक्र करते रहे हैं कि 2023 का जो साल है, जिसमें भी 4 दिन रह गए हैं, ये ना सिर्फ के आपकी जिंदगियों में इनोवेशन फैक्ट्री की लाइफ में, बल्कि ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन का साल है। और ये रेवोल्यूशन जो है आपको इनोवेशन फैक्ट्री की शक्ल में, इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से, यानी इस मार्केट के लिए और इस इन लोगों के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आज के दिन में जो भी डिस्कशन रहेगी उसको आपने पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से, पूरे इनहमाक से, कंसंट्रेशन के साथ आपने सुनना है। मगर इससे पहले आपको ये चीज एक हमेशा जहन में रखनी है कि जिंदगी में जब भी कोई चीज होती है आपके साथ, तो अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि वो बेहतरी के लिए होती है। आम लाइफ के अंदर भी जब चीजें होती हैं एक वक्त पर जाकर, क्योंकि ये दुनिया का जो निजाम है ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें कोई जो है वो चीजें हो रही होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, हमें हमारी पसंद की हो या हमारी नापसंद की हो, लेकिन वो हमारे एक्चुअली बेनिफिट के लिए होती हैं। क्योंकि जिसने ये तख्लीक की है दुनिया, जिसने बनाई है, उसको पता है कि अपने बंदों के साथ कैसे चलना है। इसी तरह जब हम इनोवेशन फैक्ट्री की बात करते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो हमें ये पूरा यकीन होना चाहिए, 101% यकीन होना चाहिए कि जितनी भी चीजें यहाँ पर की जाती हैं, होती हैं, वो हमारे फायदे के लिए, हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। तो इससे रेलिवेंट एक छोटी सी चीज मैं आपसे छोटी सी बात शेयर करूंगा। एक 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 शख्स एक दफा एक जॉब के लिए, और सिर्फ ऑफिस बॉय की जॉब के लिए, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो इंटरव्यू के लिए गया। जब उसने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू करने वाले ने उसका इंटरव्यू भी लिया, पूछा क्या क्या काम कर सकते हो एज एन ऑफिस बॉय, क्या तुम क्लीनिंग भी कर सकते हो? तो उसने कहा जी मैं कर सकता हूं। उसे क्लीनिंग का डेमो भी लिया गया, उसने क्लीन करके दिखाया। और आखिर पे जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने कहा कि ये फॉर्म है, इस पे अपने सारे क्रेडेंशियल्स फिल कर दो और इसके नीचे बॉटम पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देना, ताकि हम तुम्हें अपने सिस्टम में उस ईमेल के जरिए से तुम्हारे साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो होती रहेगी। तो उस बंदे ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो ईमेल नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं है, मेरे पास ईमेल भी नहीं है, और मैं इंटरनेट से ज्यादा फेमिलियर भी नहीं। तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि अच्छा, फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम्हें हम जॉब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज के दिन में तो इंसान पैदा ही तब होता है जब उसके पास उसकी आइडेंटिटी हो। तो ये इंटरनेट की आइडेंटिटी है तुम्हारी ईमेल, और हकीकत भी ऐसी ही है, ईमेल होता है तो हम तमाम एप्लीकेशंस को साइन अप कर पाते हैं। तो इसी बात पर उसने कहा सॉरी, शायद तुम ये जॉब नहीं ले पाओगे। बड़ा मायूस हुआ, उसको जॉब नहीं मिली, वो बाहर निकला, सोचता रहा अब मैं क्या करूं, जबकि उसको जॉब की सख्त जरूरत थी। तो इवेंचुअली उसके पास कोई 10 रुपए थे अपनी कंट्री में जहां वो रहता था, वो करेंसी में। तो उसने जहन में एक आइडिया स्ट्राइक किया कि अगर मैं टमाटर लेकर उनको बेचूं तो शायद मैं डोर टू डोर जाकर बेचूं तो ये शायद मुझे इससे कुछ फायदा हो। उसने वो $10 या 10 रुपीज लिए और उसके टमाटर खरीदे मार्केट से और लोगों के घरों पे जाकर नॉक कर करके बेचने लगा। और ऐसा हुआ कि वो ऐसा, क्योंकि उसने अच्छे चुनकर साफ सुथरे टमाटर खरीदे थे, तो जब डोर टू डोर बेचने गया तो लोगों ने हाथों हाथ ले लिए फ्रेश टोमेटोज। तो उसने एक दिन में ऐसा 2-3 बार किया, टमाटर बेचे और खरीदे, बेचे और खरीदे, और दिन के एंड पे उसके पास 60 थे, 60, वो 10 रुपए या $10 अब उसके पास 60 रुपए या $60 की शक्ल में मौजूद थे। और उसने नेक्स्ट डे भी ऐसे किया, नेक्स्ट डे भी ऐसे किया, और इवेंचुअली कहते हैं
कि 1 से 2 साल के अंदर वो एक बड़ा रिटेलर बन गया जो ये काम किया करता था, सप्लाईज किया करता था लोगों के घरों में, और कोई 5 साल गुजर गए तो वो एक पूरी चेन की शक्ल में मौजूद था। ऐसा आसानी से नहीं होता, ये जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ऐसा कोई वाकया तो आपको जहन में रहना चाहिए, उसके लिए ऐसे बंदे को मुसलसल मेहनत मुसलसल काम करना पड़ रहा होता है। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जब उसने 5 साल के बाद जब वो स्टेबल हो गया, वो एक बड़ी चेन का मालिक बन गया जो लोगों के घरों पे जो है वो फ्रेश फूड फ्रूट्स और वेजिटेबल सप्लाई करती है, तो उसके उसको किसी कंपनी ने अप्रोच किया कि हम आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि आप अपनी अपनी फैमिली की इंश्योरेंस करवाएं। तो उसने कहा जी ठीक है आ जाएं। जब उसने मुलाकात की उस इंश्योरेंस एजेंट से तो इंश्योरेंस एजेंट ने उसको प्रपोजल बताए कि इस प्रपोजल के साथ इस प्रपोजल के साथ इस प्रपोजल के साथ आप हमारे जो है वो प्रीमियम पे करके हमारे से इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। उसने कहा ठीक है ये कर दो, जिसमें मैं या मेरे बच्चे सिक्योर होते हैं, करवा ली। तो जब फॉर्म फिल हो रहा था तो फॉर्म के एंड पे उसने पूछा सर आपका अपना ईमेल एड्रेस बता दें। तो उसने जवाब दिया कि ईमेल एड्रेस तो मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा ओ सॉरी सर, अगर मैं, उसने तारीफ करने के अंदाज में कहा कि मैं बड़ा इंस्पायर हूं आपसे कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और जो है वो कंप्यूटर से अभी भी दूर हैं और आपने इतनी प्रोग्रेस की है, अगर आपके पास ये वाला सेंस होता, ये वाला नॉलेज होता, आपका ईमेल एड्रेस होता, तो मेरा ख्याल है कि आप जहां तक अब पहुंचे हैं इससे भी बहुत आगे जा सकते थे। तो उसने फिर मुस्कुराकर जवाब दिया कि नहीं, अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस होता तो आज मैं किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय होता, मैं आज इस बिजनेस का मालिक नहीं होता। तो बाज़ुकात जो चीजें जिंदगी में हमारे पास नहीं होती वो हमारी बेहतरी के लिए होती हैं, ठीक है। तो आज आज के दिन में खैर ये मैंने आपको टू स्टार्ट विद जो है वो एक एग्जांपल के साथ शेयर किया। आज हमारे दरमियान जो है वो पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिन्होंने बीफाई कॉइन के आइडिया को सोचा और फिर अपनी टीम के साथ मिलके अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मजबूत कंपनी की बुनियाद रखी, इनोवेशन फैक्ट्री की, जिसके आज हर एक प्रोडक्ट के अंदर, हर एक प्लान के अंदर, हर एक जो है वो उनके आइडिया के अंदर सॉलिड चीजें मौजूद हैं, यूनिक आइडियाज हैं जिनकी बेस के ऊपर आज के दिन में बीफाई कॉइन भी स्टैंड करता है और पूरी की पूरी कंपनी भी स्टैंड करती है। और आज वो बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं, बहुत सारे लोग उनको अपना आइडियल मान करके इस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस यादगार दिन को मजीद यादगार बनाएं। हमारे दरमियान मौजूद है मिस्टर उमर खान, ओके प्लीज। गुड इवनिंग गाइस, उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, होप ऑल इज वेल। तो मेरी आवाज आ रही है और मेरी वीडियो आ रही है जी? जी उमर भाई बिल्कुल क्लियर है, आवाज भी और वीडियो भी। अच्छा, मुझे वीडियो नहीं आ रही जी। आप अपने 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 नाम को और सर्च करें शायद ऊपर जाकर, तो आपका नाम आ जाएगा, उसके आगे आप क्लिक करेंगे तो अपनी आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पर डबल क्लिक कर लें फिर वो पिन हो जाएगी। ओके थैंक यू जी गाइस। तो कैसे हैं जी आप सब लोग, ठीक ठाक हैं जी? ऑल गुड सर। ओके, तो आज का हिस्टोरिकल सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हिस्टोरिकल सेशन मैं इसको क्यों कह रहा हूं, उसकी रीजन यह है कि जैसा कि आप सबको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक जो भी किया वो लोगों के दिल में आया, समझ में नहीं आया, और जो जो इतिहास, जो जो हिस्ट्री इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से क्रिएट हुई है, करवाने वाली जात ऊपर वाले की है, लेकिन जो जो हुई है वो अल्टीमेटली अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट देके गई हैं। और क्यों हो सकी? क्योंकि इंटेंशन जो थी वो डे फर्स्ट से क्या थी, डे फर्स्ट यही थी कि अपनी कम्युनिटी को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक सबको पता है, टॉपिक क्या है? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल किस चीज की है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले एक मीटिंग में हिंट दिया था आप लोगों को कि दुनिया में हर चीज का एंड होता है,
कभी कोई ऐसी दुनिया जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका एंड ना हो। लेकिन अगर तो आपको एंड डे फर्स्ट पता हो तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बल्कि उससे और आगे जा सकते हैं। और अगर आपको उसका एंड नहीं पता और सिर पे पड़ने के बाद आप उसका एंड सोच रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मैस क्रिएट करती हैं। तो क्योंकि कंपनी जो है इस सारी चीजों के ऊपर वर्किंग कर रही थी पिछले एक साल से कि जब ये वक्त आएगा तो उस वक्त कंपनी क्या करेगी। तो लास्ट 90 डेज बिफोर या 86 डेज बिफोर कंपनी ने आपको कहा कि कंपनी 90 डेज के लिए कुछ कर रही है, कुछ बड़ा कर रही है, और वो सारी चीजें जो आपके लिए प्रॉब्लम दे रही हैं उनको कंपनी जो है सेट करने जा रही है। तो उसके लिए बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हो रही थी क्योंकि एक इकोसिस्टम है इनोवेशन फैक्ट्री का और हर प्रोजेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो कंपनी या कंपनी पॉलिसीज कोई भी ऐसी नहीं होती जिसमें किसी चीज को इग्नोर किया जाता है, हर चीज को सामने रखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, फ्यूचर प्लान्स, प्रोजेक्ट्स, हर चीज उसमें डिस्कस की जाती है। तो आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज बहुत सारे लोग शायद इस अनाउंसमेंट के बाद डिसअपॉइंट होंगे या उनको शायद थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन मैं आपको इस बात का बिलीव दिलाना चाहता हूं, जैसा कि आप डे फर्स्ट से इनोवेशन फैक्ट्री की हर बात पे बिलीव करते आए, इनोवेशन फैक्ट्री की कोर टीम ने या लीडर्स ने जैसा आपको गाइड किया वैसा करते आए और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट आपको हुआ। तो आज भी जो चीज हम करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो आप ही को होगा, कम्युनिटी को ही होगा। तो जी फाइनल कॉल क्या है, फाइनल कॉल ये है कि 5th of January यानी कि 2023 की 5 जनवरी को BFIC नेटवर्क की स्टेकिंग न्यू साइनअप्स क्लोज होने जा रहे हैं। ये न्यूज आपके लिए शॉकिंग है लेकिन मैं आपको इसका रीजन देता हूं। रीजन क्या है कि डे फर्स्ट से डिसाइडेड था कि कंपनी के पास 98,70,000 कॉइन्स जो है वो एज अ माइनिंग रिवॉर्ड है। तो अभी क्योंकि आपके सामने ही है, थोड़े से कॉइन रह चुके हैं और कंपनी ने वो अपनी कमिटमेंट फुल करने के लिए जो जिन लोगों से कंपनी ने कमिटमेंट किया है कि भाई 400 डेज तक आपको रिवॉर्ड आएगा, तो ये 5 तारीख को भी जिनके अकाउंट्स लगेंगे, ठीक है, उनको भी 400 डेज की कमिटमेंट पूरी कंपनी ने करनी है। इसलिए 5 तारीख के बाद नए साइनअप्स, नई स्टेकिंग नहीं लेगी कंपनी। लेकिन इस सारी चीज में आपको मैं एक बात बता दूं कि जितना आपने इस BFIC नेटवर्क से अर्न किया या अगले 400 दिन तक अर्न करेंगे, शायद उससे 10 टाइम, 100 टाइम, 1,000 टाइम आप 2023 में कमाएंगे। क्यों कमाएंगे? क्योंकि कंपनी ने इसका अल्टरनेटिव रखा हुआ है। आपके पास कुछ सरप्राइज आने जा रहे हैं आफ्टर 31st December, यानी 1st January से आपको सरप्राइज मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब यहां पे हमने ये देखना है कि एक चीज हो रही है, 90% लोग सुकून से बैठे, उन्हें पता है घर बैठे हमें रिवॉर्ड आना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के जो 400 दिन है वो आपको सेम परसेंटेज पे रिवॉर्ड आएगा। कुछ लोग 6 तारीख को उनके 400 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैंने 1000 कॉइन स्टेक किया हुआ है, 1001, तो उसमें से 200 कॉइन वो था जिसके 400 डेज जो कंप्लीट हो रहे हैं 6 तारीख को, या 500 कॉइन ऐसे थे
जिनके 400 डेज कंप्लीट हो रहे हैं कब, 6th of January को। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 6 तारीख से अगर मैं 0.5 की इनकम ले रहा हूं तो मुझे 6 तारीख से 0.5 नहीं आएगी, क्योंकि जब मेरा कैपिटल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरी परसेंटेज भी कम होगी। तो आप लोगों को बिफोर टाइम बताने का मकसद क्या है, बिफोर टाइम बताने का मकसद यह है कि आप जितनी हो सकती है आप अपने आप को कवर करें कि यार एटलीस्ट अगले 400 दिन तक जो परसेंटेज मिल रही है मुझे वही मिले। ऐसा होगा नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा कि आप सब लोग चाहें ना अपने 400 दिन की सेम परसेंटेज करने के लिए तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट में सर्कुलेटिंग में इतना कॉइन ही नहीं है। आप खरीदेंगे स्टेक करेंगे तभी होगा, तो मार्केट में तो इतना सर्कुलेटिंग में कॉइन ही नहीं है कि आपको इतना सारों को कॉइन मिल जाए कि वो अपनी 400 डेज की स्टेकिंग जो है उसको एंजॉय कर सके एज पर परसेंटेज। एक तो हो गई ये बात। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो डिसीजन लिया है ना, ये डिसीजन कोई नहीं लेता, कोई भी कंपनी नहीं लेती। इवन के वो जब तक कॉइन खत्म नहीं ना हो जाते तब तक अपनी कम्युनिटी से कम्युनिटी को कह लो कि फूल बना रही होती है, उनको मिसगाइड रखती है और एक कह लो कि एक पर्दे में रखती है। ठीक है, यहां पे इमेजिन करें अगर कंपनी आपको ये कहती कि जी 5 तारीख से जितने भी लोग हैं जितनी भी स्टेकिंग है वो अनलॉक होने जा रही है, ठीक है आप सबका कॉइन अनलॉक हो जाएगा, आपको रिवॉर्ड नहीं आएगा, ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। अव्वल तो कंपनीज ऐसे भी नहीं करती, क्यों नहीं करती कि इतनी देर में कंपनीज अपने टारगेट अचीव कर लेती है, कंपनी ने जितना पैसा कमाना होता है इकट्ठा करना होता है वो कर लेती है और उसके बाद वो सब कुछ साफ कर जाती है। आप सबको पता है इस बात से बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने बिफोर टाइम अलर्ट क्यों दे रही है या आपको गाइड क्यों कर रही है कि यार आप अपना अगले 400 दिन तक की इनकम ले सकते हैं आप, ठीक है एज पर आपकी जो भी परसेंटेज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बिफोर टाइम प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है और अपनी स्टेकिंग को बढ़ाना पड़े। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 एक कॉइन है और आपको लगता है कि अगले 6 महीनों में आपके 500 कॉइन जो है वो अनस्टेक होंगे, तो अगर आज ही आप उसको 500 कॉइन को ऐड कर लेते तो आपके हो गए टोटल 1500 कॉइन। लेकिन 1500 कॉइन से फायदा क्या होगा कि आपको अगले 400 दिन तक सेम रिवॉर्ड जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग एक सेकेंड बेनिफिट जो है वो उठाएंगे। हसन ओके रहन अच्छा, तो एक एक तो आपने ये चीज देखनी है। दूसरा अगर हम बात करें ना मैनेजमेंट की, तो हम लोग कोई प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं कर रहे होते, ना हम लोग कोई डेली मीटिंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है मैं आपको अपनी मैनेजमेंट की एक्टिविटी बताता हूं, ना हम लोगों ने कोई फिजिकली कुछ करना होता है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ स्ट्रेटजीज प्लानिंग्स जो स्टैट्स होते हैं जो नंबर्स होते हैं कि कब क्या होने जा रहा है वो सारी चीजें दे के हमने अगली प्लानिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे गोल्स प्री डिसाइडेड हैं, प्री प्लान्ड हैं और हम लोगों ने एक फाइनल किया है कब तक हमने अपने टारगेट्स को अचीव करना है, तो हमने अपने उस वक्त तक अपनी चीजों को अपने साथ लेके चलना है। तो हमारा काम सिर्फ स्ट्रेटजीज का होता है। तो यही फर्क है बाकी कंपनीज में और इनोवेशन फैक्ट्री में कि ये बिफोर टाइम प्लानिंग स्ट्रेटजी ईच एंड एवरीथिंग करती है और उसके सॉल्यूशंस देती है। तो बहुत सारे दोस्त पता नहीं क्या सोच रहे हैं या क्या उनके जहन में होगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूं। मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि
इंसान की औलाद जो होती है ना वो उसको सबसे ज्यादा प्यारी होती है। तो BFIC कॉइन जो है ना ये हमारी एक कह लो औलाद, हमारा बच्चा, हमारा हमारी जनरेशन है और ये हमें बहुत प्यारी है। आज आपने देखा है कि 29 प्रोजेक्ट्स इकोसिस्टम में आ गए हैं, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें BFIC का कंट्रीब्यूशन ना हो या उसका बेनिफिट BFIC को ना जा रहा हो? नहीं हो सकता, ना ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा एम्पायर बन रहा है डे बाय डे इसके इकोसिस्टम का, अल्टीमेटली उसने हर चीज का बेनिफिट किसको देना है? BFIC कॉइन को। तो BFI कॉइन जिस तरह हमारे लिए कीमती है या जिस तरह आपके लिए कीमती है, उसी तरह हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि BFIC कॉइन ग्रो करेगा, BFIC कॉइन जो है मार्केट में अपनी एक अच्छी जगह बनाएगा, ठीक है, टॉप 10 में आएगा या टॉप 5 में आएगा या टॉप 3 में 2 में आएगा, तो अल्टीमेटली इनोवेशन फैक्ट्री के ग्रोथ होगी। उसके लिए इतना बड़ा इकोसिस्टम जो है वो डिजाइन किया गया और ऐसा तो होना है इंशाल्लाह। क्यों होना है? क्योंकि वो एक शेर है ना कि वो कौन सा शेर है उसका, शाहरुख खान की मूवी का, कि जितनी शिद्दत से हमने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश किया है। तो जितनी शिद्दत से हम लोग इसकी स्ट्रेटजीज और इसकी प्लानिंग और इसके प्रोजेक्ट्स और यूनिकनेस प्रोजेक्ट्स में ईच एंड एवरीथिंग, कलर स्कीम, लोगोस, ये वो स्लोगन्स, हर चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, लोग कहते हैं हमें क्या, जितना तुम अपने प्रोजेक्ट के साथ लॉयल और इसके इसके लिए तुम पोजेसिव हो ना, आज तक हमने इतना पोजेसिवनेस नहीं देखी। हाँ, आप किसी इश्क मोहब्बत में पड़े हो तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए तो इतनी पोजेसिवनेस रखी होती है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट्स, अपने बिजनेस, अपने काम के वाले से नहीं रखी होती। इसकी भी रीजन है, ये हमें रखनी पड़ती है और रखनी पड़ेगी। रीजन क्या है कि हमारे साथ 4.5 लाख लोगों की एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको, जो लोग यहां पे कामयाब होने के लिए आए हैं और ऊपर वाले ने हमारी ड्यूटी लगाई इनको कामयाब करना, ना सिर्फ इनको, अब जो होने जा रहा है जनवरी के महीने में ये मिलियंस में बात जाने लगी है। आप लोग शायद ये जेन में हो के जी अगर इसके नए साइन अप नहीं होंगे, नई स्टेकिंग नहीं होगी तो कम्युनिटी कम होगी। दिस इज इनोवेशन फैक्ट्री गाइस, ये जो बात सब जानते हैं ना कि इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है, समझ में नहीं आती। तो आप देखें कि क्या होने वाला है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, टाइम पे करेंगे। तो ये जो BFI कॉइन है ना, ये समझ लें आपकी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी रीजन ये है कि इस पूरा साल में 2022 में कंपनी ने क्या किया, टोटल फोकस किया डेवलपमेंट पे। आपने देखा है मीटिंग्स पे भी नहीं आते थे हम, कुछ नहीं कर रहे थे, टोटल फोकस था डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव करना, प्रोजेक्ट्स की बेहतरी, स्मूथ करना, इन चीजों के ऊपर फोकस था। ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी हैं। अब अगर हम 2023 में डेवलपमेंट ना भी करें ना, कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप ना करें, तो लिटरली इस वक्त हम उस पोजीशन पे कि हमें फर्क नहीं पड़ता। इतनी इतनी बड़ी यूटिलिटीज रेडी हो चुकी हैं, बस डिसाइड क्या करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब कैसे किस टाइम लॉन्च करना है। इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट जो है वो डिवेलप हो चुके हैं, टाइम टू ट्रेवल आपने देखा है लाइव होने वाला है या लाइव हो चुका है, बीटा लाइव हो चुका है, आप कल परसों में BFIC स्टोर को भी लाइव देख लेंगे और 1 जनवरी से हम लोग उसके ऊपर और टाइम टू ट्रेवल के ऊपर साइनअप्स भी स्टार्ट करवा देंगे कि आप लोग मर्चेंट्स ला सकते हैं, साइनअप कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ट्रेडिंग
मेरे ख्याल से अगले 15-20 दिन में वो भी रेडी हो जाएगी। ठीक है, फुल ऑन के साथ जो हमारी कोलैबोरेशन हुई है, एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है फुल ऑन, आपकी सोच होगी। ठीक है, जोकर्स हमारा रेडी हुआ है, लेकिन एज पर पॉलिसी स्ट्रेटजी कंपनी अभी उसको लॉन्च नहीं कर रही। ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। रीजन क्या है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड हुई हैं कि बहुत फास्ट अर्निंग होने वाली है, लेकिन ये सारी अर्निंग जो है ना, ये ठीक है, अच्छी अर्निंग होगी आपकी इन सारे प्रोजेक्ट से। अच्छी अर्निंग होगी, लेकिन जो चीज हम लोग फर्स्ट जनवरी को अनाउंस करेंगे वो कुछ और ही है, और वो बहुत बड़ी चीज है। अब देखें, जब हम किसी क्लास में होते हैं, उस क्लास को जब हम क्लियर करते हैं, तो उसके बाद हमने एक स्टेप आगे जाना होता है, ऐसे ही है ना। तो ये समझें कि जो BFIC नेटवर्क की कमिटमेंट जो कंपनी ने पूरी की या जो पूरी कर रही है, जो इस जर्नी को सक्सेसफुली कंपनी ने ऊपर वाले की मदद से पूरा किया। कैसे पूरा किया कि ये एक साल में कितने सक्सेसर्स निकले, आप सब लोग समझ, आप सब लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई बंदा फर्स्ट फ्लोर पे था तो वो 100 फ्लोर पे गया, इतनी सक्सेस लिया उसने, तो 100 से आप 1000 पे जा सकते हैं। अगर आपको अगले 400 दिन की और इनकम मिल जाए BFIC नेटवर्क से, अच्छा ये वो प्रोजेक्ट है जिसने अगले 400 दिन आपको इनकम देनी देनी है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी इनकम लेते हैं, कितनी अपनी स्टेकिंग को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये आप लोगों ने करना है। तो ये अगले 400 दिन की इनकम आपको मिलनी मिलनी, लेकिन इसके साथ जो चीजें एड ऑन होने जा रही हैं, जो इनकम पोटेंशियल और जो इनकम का लेवल आपके साथ एड ऑन होने जा रहा है, वो बहुत बड़ा है। तो कुछ चीजें कंपनी ने कंबाइन की है। ठीक है, इस चीज को आपने गौर रखना है कि कुछ चीजें अगर एक तरफ से कंपनी आपकी सिर्फ नेटवर्किंग की, क्योंकि स्टेकिंग इनकम तो मिलती रहेगी, आपकी नेटवर्किंग की इनकम अगर 5 तारीख को बंद हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को उससे बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है। BFIC नेटवर्क की जो नेटवर्क की अर्निंग थी उससे कई गुना बड़ी अर्निंग का प्लेटफॉर्म आपको मिलने जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो बात करने का पर्पस क्या है कि BFIC नेटवर्क जो है ना, इसमें आप देख लें कि आप अपने अगले 400 दिन की अर्निंग को कैसे सेव करना चाहते हैं। और जो जो प्रोजेक्ट्स देखें, अब क्योंकि हम एक तरफ से प्रोजेक्ट्स इसकी इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहे हैं, तो इसके बैकअप पे हमने 5 प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, और वो 5 ऐसे बड़े यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं कि आप उनको कह सकते हैं कि एनाकोंडा, आप उनको कह सकते हैं बिग वेल्स, जो कि सारा BFIC कॉइन जो है वो खाने आ रही है। और जरूरी है डिमांड और सप्लाई को मैनेज रखने के लिए, इसका अंदाजा आपको नजर आ जाएगा 6th of January से। अभी आपके साथ वो प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं है, मैं स्टोर की बात नहीं कर रहा, मैं टाइम टू ट्रेवल की, इंश्योर ट्रेडिंग की, जोकर्स की, ठीक है, मैं आपसे फुल ऑन की इन चीजों, इन प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन नहीं कर रहा, एक्सचेंज ऑन की भी नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ पोर्शन कह लें कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का हो सकता है उसमें, लेकिन वो भी एक 5-10%। लेकिन एक बहुत बड़ी यूटिलिटी 6th को जो है आपके सामने आ जाएगी BFIC कॉइन के लिए, जो आपके लिए सरप्राइज होगा। अगर मैं आज उसको बता दूं ना, तो लिटरली आप लोग ना, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो ना कोल्ड वॉलेट का, तो आप अपने BFIC को उठा के कोल्ड वॉलेट में डाल दें,
कि भाई मैं इसको अगले 6 महीने देखना ही नहीं चाहता, मेरे सामने होगा तो मैं कोई ना कोई पंगे लेता रहूंगा इससे, तो मैं देखने नहीं चाहता। ये इतना नायाब होने जा रहा है आपके लिए BFIC कॉइन। तो अल्टीमेटली बेनिफिट कैसे होगा, मैं आपको, आप क्योंकि हमारे वो लोग हैं जो लोग डे फंसते हैं और जिनकी सक्सेस, जितनी भी सक्सेस होगी, देखें जब कोई इंसान कामयाब होता है ना तो उसकी खुशी सिर्फ 2 लोगों को होती है, सिर्फ 2 लोगों को। आप बताएंगे वो 2 लोग कौन है, कोई बता सकता है? कोई बच्चा कामयाब होता है तो उसकी खुशी सिर्फ 2 लोगों को होती है, मम्मी पापा। रॉन्ग। कोई और? वाइफ और बच्चे। रॉन्ग। चले फिर मैं नहीं बोलता। एनीबडी? कोई और? दो लोगों को खुशी होती है, एक होती है बाप को और दूसरा होता है टीचर को, क्योंकि इन दोनों की बराबर की मेहनत होती है। तो BFIC कॉइन जो है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारा दिन रात सोना उठना बैठना जागना सब कुछ इसी के लिए है। प्राइस के वाले से लोग कॉन्शियस होते हैं कि जी प्राइस नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो आपको बताया था कि कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज पे चलती है, प्राइस अगर नहीं बढ़ रही थी तो आप लोगों ने नहीं बढ़ने दी, कंपनी को आप गलत साबित कर देते, ठीक है। आप लोगों ने, क्योंकि मार्केट ड्रिवन प्रोजेक्ट है, ओपन मार्केट में ये कोई मैनिपुलेशन तो हो नहीं रही, ये किसी डेस्क के ऊपर तो है नहीं, ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जिसपे मैनिपुलेशन करके जहां मर्जी ले जाए, ऐसा तो है नहीं, ये ओपन मार्केट 8-9 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो पब्लिक कम्युनिटी इसको ड्राइव कर रही है। प्राइस एप्रिशिएट कब होता है? न्यूज के साथ। तो न्यूज तो कंपनी ने दी कोई नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ाने में कंपनी का इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी कुछ होने जा रहा है, अब आपके साथ न्यूज शेयर होने जा रही है, कंपनी न्यूज शेयर करेगी आपसे बड़ी बड़ी, जो कि कंपनी ने अचीव किया, जो कुछ किया, जो कर रही है, ये चीजें आपके साथ शेयर करेगी ताकि आपको फ्यूचर नजर आए। BFIC का फ्यूचर जो है वो आपके लिए क्लियर होना अब जरूरी है। जितनी देर तक क्लियर नहीं कर रहे थे, कंपनी अपनी कामों में लगी थी, अब BFIC का फ्यूचर जो है वो क्लियर करना जरूरी है। आपने देखा है कि प्राइस में आज से ग्रोथ होना शुरू हो गई है, बेशक 1.5-2 डॉलर हुई है, डजंट मैटर, लेकिन ये ग्रोथ आस्ता आस्ता होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? उसकी रीजन ये है कि यूटिलिटीज और जो कंपनी कर रही है ये आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आज भी इस चीज के, इस पॉइंट के अलावा फाइनल कॉल जो है वो ये है, 5th of January को BFIC नेटवर्क में नए साइनअप्स और नई स्टेकिंग या रीस्टेकिंग ये बंद होने जा रही है 5 जनवरी से। आज सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर रहेंगे, बाकी अगली जो हम मीटिंग करेंगे 1st को, वो होगी असल धमाकेदार, जिसमें हम थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज करेंगे, कंपनी को थोड़ा सा आपके सामने एक्सपोज करेंगे, या कंपनी को कंपनी की स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा आपके सामने शेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो मैं मजीद नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर बोलूंगा तो वो फिर बहुत आगे गेम निकल जाएगी। तो आप लोगों ने फाइनल कॉल कंपनी ने आपको दे दिया है, बिफोर टाइम दे दिया है। क्यों दे दिया है? कि अगर कोई बेनिफिट उठाना चाहता है तो वो उठा सकता है। हालांकि हमें लीडर्स की तरफ से इस तरह की सजेशंस भी आई कि आप बस इसको विदाउट अनाउंसमेंट इसकी स्टेकिंग बंद कर दें, लेकिन क्योंकि कंपनी के लिए लीडर
और इस कंपनी का एक एक मेंबर, कम्युनिटी का एक एक मेंबर, वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ट्रांसपेरेंट चलती है, ट्रांसपेरेंटली आपके सामने हर चीज को ट्रांसपेरेंटली रखती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बिफोर टाइम नहीं बताई जाती, लेकिन कोशिश किया करें, मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना उनको समझने की कोशिश किया करें। जरूरी नहीं होता कि बंदा हर बात ओपन करके बताए। तो इन शॉर्ट ये है दो तीन बातें कि 1 जनवरी को क्लोजिंग होने जा रही है स्टेकिंग वगैरह की, नए साइनअप्स की, और BFI कॉइन के लिए एक नई 5 से 6 बड़ी यूटिलिटीज 5 तारीख को कंपनी आपके सामने दे देगी, जहां पे आप उसका रिजल्ट आपके सामने खुद ही आएगा। मेरी तरफ से इतना ही है। आप कोई दोस्त बात करना चाहते तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही हालात के लिए कहा जाता है, कुछ ना भी कहे, कुछ कह भी गए और कुछ कहते कहते रह भी गए। तो चलें, ये तो जलवा है उमर सर का। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम्युनिटी को संभलने का टाइम दिया, क्योंकि जिस तरह से मैसेजेस आ रहे थे तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे कि इतने कम समय में कैसे प्लानिंग कर पाएंगे। बट बहुत ही अच्छा हुआ 5 तारीख तक का आपने समय दिया, और 5 तारीख तक में उम्मीद करते हैं सारे दोस्त अपने नेक्स्ट 400 डेज की प्लानिंग कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त जानते हैं कि कॉइन मार्केट का जो रूल होता है डिमांड एंड सप्लाई, तो सप्लाई जब तक निरंतर आती रहेगी, तो जिन लोगों को उसकी कदर नहीं थी वो सीधा एक्सचेंज पे ले जाके बेच रहे थे। तो उमर सर ने भी मना किया था, मैंने भी कई बार कहा था कि भैया जितना जमा करना कर लें। तो फ्रेंड्स, अब देख लें अपने अपने हिसाब से कितना जमा करना है, कितने माइनिंग रिवार्ड सेव कर सकते हैं, कितनी बाइंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों के ऊपर निर्भर है। 5 जनवरी तक का सर ने समय दिया है, उसके लिए हम लोग सारे कम्युनिटी की तरफ से इनोवेशन फैक्ट्री और मैनेजमेंट को दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिस तरह से, जिस रफ्तार से पिछले 10-15 दिनों से क्वाइन, जब से वो अनाउंसमेंट हुआ था कि 31 मार्च लास्ट होगा, उस समय से ही स्टेकिंग की रफ्तार तेज हो चुकी थी। तो ये समझ लें कि जब लोगों को पता चलता है ना कि हमारी जिंदगी बस इतने ही दिनों की है, तो सारे अच्छे काम होने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही है। तो डोंट वरी, जैसा कि सर ने बताया कि, और हम सभी लोग जानते हैं, पहले भी बताया गया है सर के द्वारा, कि इनोवेशन फैक्ट्री का जो प्रोजेक्ट है उसको उसी का कोई दूसरा प्रोजेक्ट बीट कर सकता है। तो आपके BFIC नेटवर्क की जो भी कसिक है, जो भी थोड़ी सी पेन अगर किन्हीं को फील हो रही है, तो वो पेन भी विश्वास रखें कि 5 तारीख के जूम के बाद वो दूर हो जाएगी, क्योंकि एक से बढ़कर एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी और बेनिफिटेड प्रोजेक्ट वो सारे आप दोस्तों के बीच में शेयर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, और हम सभी दोस्त जानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इनोवेशन फैक्ट्री पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है, और हर प्लानिंग में हर व्यक्ति के लिए, एंड यूजर के लिए भी, कि वो लूजर ना हो, उसकी पूरी उनकी पूरी व्यवस्था रखी गई है, उनका पूरा ख्याल रखा गया है, और प्लानिंग वैसे ही होती है कि इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हर बंदा सक्सेसर हो। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कोई और दोस्त कुछ करना चाहते हैं? अगर आपका एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म जो है, लीडर्स नेटवर्कर्स और जो कंपनी का पार्ट है उनके लिए अगर क्लोज हो रहा है, तो ये समझे कि अगले 10 डोर्स ओपन हो रहे हैं अर्निंग के, और वो इससे जितना आपने यहाँ पे कमाया है ना, ये समझे कि उससे 10 टाइम आप 10 प्रोजेक्ट अगले आपको आने जा रहे हैं जिससे आप कमाएंगे, और ये ज्यादा डिले से नहीं आएंगे, ये सेम डे 5 तारीख को ये सारी चीजें होनी है, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को अब ये तैयार करें कि आपने कहाँ कहाँ से कितना कितना और कितना कैसे कैसे निकालना है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। जी डेफिनेटली सर जी, डेफिनेटली जी जी सर, बताएं जी जी सीनियर जी, हो गया जी। उमर भाई थैंक यू, आपने माशाल्लाह बता दिया सब लोगों को। तो अब मैं समझता हूं कि बातों का वक्त गुजर गया, अब थोड़े ही दिन बचे हैं ताकि मैक्सिमम जो है BFI क्वाइन अक्यूमुलेट किए जा सकें, ज्यादा से ज्यादा बाय किए जा सकें और अपने पास रखे जा सकें या स्टे किए जा सकें। अब उसका वक्त कम रह गया है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और उसको इस तरीके से जिस तरह से आपने बताया है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक हिस्ट्री है। आज के दिन तक हमने हमेशा यही देखा कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कंपनियों का हाथ रुका हो कि जी क्वाइन नहीं है, लेकिन ये आपकी ट्रांसपेरेंसी है
इस कंपनी की मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बड़ी खासियत ये है कि जो है वो सबके सामने है, इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए। वरना हमने उन कंपनीज को भी देखा है जिनकी सप्लाईज तो 50 करोड़ की होती थी और वो 500 करोड़ मार्केट में बेच दिया करते थे, क्योंकि दे नीड मनी, उनको इसका कॉन्सिक्वेंसिस का कोई इदराक नहीं होता था, ये उनको पता होता था कि हमने कौन सा देना है। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपने इसको क्लोज करने के लिए इसका टाइम दिया और उसकी जो रियल लॉजिक है वो यही है कि चूंकि सप्लाई जो है वो आपके पास सिस्टम के पास एक्चुअली ब्लॉकचेन के अंदर जो कॉइन्स रिमेनिंग रहते हैं वो उतने ही दिनों के लिए तकरीबन बच जाएंगे जितने दिनों में आखिरी बंदे के 400 दिन पूरे हो सके। जो लास्ट बंदा स्टेक कर रहा होगा अप्रोक्सीमेटली उतने ही कॉइन बचे होंगे कि उस आखिरी बंदे को 400 दिन तक वो रिवॉर्ड चला जाए, ना कि रिवॉर्ड जल्दी खत्म हो जाता और फिर लोग देख रहे होते। तो ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज है मैं समझता हूँ, मुझे पर्सनली मोटिवेट करने के लिए ये चीज बहुत काफी है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी जो कि हमने क्रिप्टो में नहीं देखी, क्रिप्टो करेंसी में भी और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी हम देखते हैं कि कंपनीज का जो मद्देनजर रहती है चीज वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना होता है, सिर्फ उनको अपने लिए पैसा कलेक्ट करना होता है, वो इन कॉन्सिक्वेंसिस को नहीं देखते, क्वाइन की प्राइस, क्वाइन का फ्यूचर उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर जब आप सप्लाई पे क्लोजर लगा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि इसको स्टॉप करना जरूरी है ताकि जो फाइनल रिवॉर्ड जहां तक जाने हैं आखिरी बंदे तक को भी उसका रिवॉर्ड मिले और किसी का कंपनी के जिम्मे कुछ ना रह जाए कि जो कंपनी के जिम्मे और कंपनी दे ना पाए, बल्कि ब्लॉकचेन को, क्योंकि सारा सिस्टम तो ऑटोमेटेड है, ब्लॉकचेन पे है, तो सबको पता है कि वो जब रिवॉर्ड्स आखिरी बंदे तक भी पहुंचना है वो कमिटेड है, वो उसमें कोई ऐसी दो चीज नहीं है जिसको कि कंपनी को बाद में मैनेज करना पड़े। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है मैं समझता हूँ, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज के तौर पर मैंने इसको लिया है मैं समझता हूँ। और ये दिन सिर्फ ये है कि कम रह गए हम, वो भी ये है कि जल्दी करना पड़ेगी, सिर्फ अगर किसी के दिल में ख्याल था कि 2 माह बाद स्टेक कर लूंगा, 4 माह बाद स्टेक कर लूंगा, या मैं इसको थोड़े अरसे बाद बाय कर लूंगा, तो वो आप जो बात कर रहे हैं वैसे ही है कि मार्केट में ये शॉर्ट हो जाएगा, ये सप्लाई मिला ही नहीं करेगी क्योंकि सर्कुलेटिंग जो है वो भी कोई खास बचेगी नहीं कि जिसमें से हम बाय कर सके। तो यही टाइम है इस क्वाइन को बाय करने का। ये इस पे वही हम जो एग्जाम्पल हम दिया करते हैं अक्सर एक सक्सेसफुल क्वाइन के बारे में, बिटकॉइन के बारे में एग्जाम्पल दिया करते हैं कि वो वक्त हमने गवा दिया जिस वक्त में हम थोड़े पैसों में बहुत अकोमुलेट कर सकते थे, एक वक्त में जब हमें वो 10, 20, 50, 100 डॉलर का मिलता था वो वक्त हमने गवा दिया, आज हजारों डॉलर में बाय करना पड़ता है और अफसोस होता है कि उस टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं ले सके। तो अब ये एक मौका है आज के दिन में 5 जनवरी तक का हर एक के पास कि वो मैक्सिमम अपने पास अक्यूमुलेट कर ले, मैक्सिमम जो है वो कॉइन अपने पास इकट्ठे कर ले, क्योंकि उसके बाद ये कॉइन्स ब्लॉकचेन की तरफ से लोगों के पास सिर्फ रिवॉर्ड्स में आया करेंगे, अदरवाइज उनके पास कोई और सोर्स नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज है, बल्कि जो 5 को आप बताएंगे कि आगे क्या करना है वो तो फिर भी एक सेकेंडरी बात है, वो दूसरी बात है और उस पर हम आपकी इस बात पर यकीन करते हैं कि वो आपको इस आपके जहन में है कि जो नेटवर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके पास काम करने के लिए इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से आएगी। लेकिन जो आज के दिन में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है मैं समझता हूँ इस अगले 7-8 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर, न्यू ईयर भूल गया आप सच पूछें तो, कि जहन में ये नहीं आ रहा कि न्यू ईयर पे कहाँ जाना है, बल्कि जहन में अब ये आ रहा है कि न्यू ईयर को भी बीच में यूटिलाइज करते हुए और इस सबको प्रोडक्टिव करते हुए मैक्सिमम जो है वो हमने अपने लिए मैक्सिमम कितना किस तरह से क्वाइन इकट्ठे करने हैं। अब वो चाहे हम अपनी नेटवर्क को बढ़ा के अर्न कर पाए, चाहे हम अपनी स्टेकिंग बढ़ाकर अर्न कर पाए, तो इंशाल्लाह जो है वो अगले 8-9 दिन में पूरा फोकस और कंसंट्रेशन इसी पे रहेगा कि हर एक बंदा जो है वो मैक्सिमम अपने पास क्वाइन इकट्ठे कर पाए और फिर जो आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी इंशाल्लाह उसमें जो आप बताएंगे उसको भी फॉलो किया जाएगा इंशाल्लाह। और मैं ये देखता हूँ कि आज तक की मेरी और हम सब की जितनी भी सक्सेस है वो आपको फॉलो करके ही है। यू आर द लीडर, आप पायनियर्स हैं, आप लीडर्स हैं, जिस तरीके से आप गाइड करते हैं मैं समझता हूँ ये आपकी सिंसियरिटी है, आपकी पूरी कम्युनिटी के साथ ये सिंसियरिटी है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सिंसियर मशवरे देते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपके नेटवर्क से पैसा कमाएं, आप चाहते हैं कि लोग आपके क्वाइन से पैसा कमाएं। और ये इस चीज को मैं आपको थैंक यू भी करना चाहूंगा सबकी तरफ से, सारी कम्युनिटी की तरफ से भी। और मैं समझूंगा कि अब हमारे पास टाइम जो है वो मैक्सिमम यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वाइन जो है वो अकोमुलेट कर सकें अपने लिए और फ्यूचर में, ताकि हमारा फ्यूचर क्वाइन से भी ब्राइट हो जाए। तो मैं समझता हूँ यही है, आप कुछ और कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सबको पता है कि BFIC स्टोर कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स ये कम अज कम 1 करोड़ कॉइन्स की यूटिलिटी लेके आ रहा है। अगर हम बात करें उसकी फुल ऑन की, तो ये तो एक ऐसा एनाकोंडा
कह लेके आ रहा है कि हर महीने इसने 50 लाख कॉइन जो है इसकी तरफ से डिमांड जो है वो क्रिएट होने जा रही है। और ये भी हम 17th को थाईलैंड इवेंट के ऊपर 17th या 19th जो भी डेट है उसके ऊपर हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। टाइम टू ट्रैवल इट्सेल्फ बहुत बड़ा है, और अगर हम बात करें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की तो इसमें जो चीज़ें नई ऐड ऑन होने जा रही हैं बहुत बड़ी यूटिलिटी आ रही है। तो ये मेरे पास सारे नंबर्स हैं, ठीक है, अगर आप देखें तो ये सारे नंबर्स हैं। अगले 3 महीनों में जो सर्कुलेटिंग में सप्लाई आएगी ना वो आएगी तकरीबन 9 लाख के करीब, 9 लाख के करीब सर्कुलेटिंग में सप्लाई आनी है, ठीक है। और जो कंपनी ने प्लानिंग की हुई है वो प्लानिंग ये है कि कम अज कम अगले 3 महीनों में 1 से 1.5 करोड़ कॉइन की पर मंथ सप्लाई जो है यूटिलिटी जो है वो यानी कि कम्युनिटी को दी जाए। तो आप खुद देख सकते हैं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होगी और डिमांड क्या होगी, ये आप लोग खुद बेहतर कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा फ्यूचर BFIC कॉइन का, क्योंकि हमारा फेवरेट प्रोजेक्ट, हमारा पूरा इकोसिस्टम, पूरी इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो BFI कॉइन के ऊपर बेस कर रही है, और हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है BFI कॉइन है। तो जितना भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो BFIC कॉइन के लिए कर रहे हैं। तो अब आपको 2023 जो है इसमें मैं आपको इसके लिए वेलकम करूंगा और ये आपको गुड न्यूज दे दूं कि 2023 ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ईयर होने जा रहा है इन शेप ऑफ कम्युनिटी की ग्रोथ में, कम्युनिटी की सक्सेस में, कंपनी की ग्रोथ में, BFI कॉइन की प्राइस की ग्रोथ में, या आप ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्योंकि वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो आज तक क्रिप्टो इंडस्ट्री को जरूरत थे, या वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो के इनोवेशन फैक्ट्री जिनके ऊपर पिछले 1-1.5 साल से काम कर रही थी, जो कि इस इंडस्ट्री की नीड है, जरूरत है, वो आपको 1 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी। अब हमारे कोई और दोस्त कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं उनको हैंड रेस कर लें जी थोड़ा सा। डॉक्टर BS सेनाई जी अनम्यूट कीजिए जी, आप अनम्यूटेड हैं जी, माइक ऑन कीजिए। ओके शिवम माइक ऑन कीजिए जी। थैंक यू मोनकान सर, और गुड मॉर्निंग गाइस। कल एक छोटी सी मीटिंग में हमारी बातचीत हो रही थी और वो बातचीत हो रही थी कंपनी हमेशा परंपरा निभाते हुए हर प्रोजेक्ट को डिले करती आ रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहूंगा। तो मैंने उसमें रिप्लाई दिया था कि कंपनी एक ऐसा प्रोजेक्ट भी लेके आएगी जो समय तो बहुत देगी लेकिन लॉन्च पहले करेगी, वो प्रोजेक्ट आज है, वो प्रोजेक्ट आज है। क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि BFIC 1000 बाय करने में कोई भी अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है कि 1000 BFIC को आप 2025 तक बचा लें, क्योंकि BFIC की कीमत हमने बहुत बार बताने की कोशिश की कि ये एक BFIC तुम नहीं समझ पाओगे एक BFIC कीमत क्या होगी, लेकिन मैं आज बता दूं BFIC कॉइन एक रेयर करेंसी बन चुकी है। ये आने वाले समय में डे बाय डे आप पे 1000 कॉइन भी है ना, तो 1000 कॉइन में से 5 कॉइन भी 2025 तक बचा पाओगे, इसकी भी श्योरिटी आप खुद में नहीं ले सकते। अगर आप बचा सकते हैं तो कंपनी की एक स्ट्रेटजी और है, मुझे नहीं पता होगी कि नहीं होगी, बट मैं अपने अनुमान लगा रहा हूं, कंपनी अगर डेक्सा में अगर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर में अगर पार्टनर बनाती है तो एक चांस है BFIC कॉइन और बचाने का, जो मुझे लगता है। लेकिन ऐसा कोई भी मौका मिलता है BFIC को बचाने में तो बस वहां पर कंपनी को सौंप दो, कंपनी ही आपका कॉइन बचा के दे सकती है, अन्यथा आप उस कॉइन को बिल्कुल नहीं बचा पाओगे, ये मुझे कंफर्म पता है। अगर आपको एक BFIC $1,00,000 देखना है 2030 तक, तो आपको ये कॉइन कंपनी के हित में किसी प्रोजेक्ट में लगाकर दे देना है, तभी आप एक कॉइन का एक प्राइस देख पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, लिक्विडिटी हम आपको ऑप्शन देने जा रहे हैं डेक्सा के ऊपर, और इतनी बड़ी लिक्विडिटी देने जा रहे हैं BFI कॉइन की कि आप लोग कहेंगे कि वाकई कंपनी ने जो किया ना वो वाकई समझ में नहीं आती, ये आप देखें क्या करती है कंपनी। ओके जी शमीम अख्तर माइक ऑन कीजिए जी। हेलो सर,
वालेकुम अस्सलाम। नहीं शमीम साहब आपकी आवाज नहीं क्लियर, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। साहिल टीम राज प्रजापति, थैंक यू और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छे मेंटर का फर्ज निभाया और हमारी कम्युनिटी को आगाह कराए कि वो अपनी आने वाली प्लानिंग को पूरी अच्छी तरह से तैयार कर ले। और वास्तव में आपने सही कहा कि कंपनी कुछ भी नहीं बताती है, जब उन्हें सिस्टम बंद करना होता है वो बंद करके चली जाती है। इससे कम्युनिटी को पता चलना चाहिए कि हमारी कंपनी, हमारे मेंटर्स हमारे लिए कितने लॉयल है। उन्होंने आपको इतना पहले बता दिया ताकि आप अपनी पूरी प्लानिंग कर पाए। और सर मैं इसे बैड न्यूज नहीं मानता, क्योंकि उसी दिन हमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने वाले, इतनी ज्यादा अर्निंग करने के प्रोजेक्ट्स मिलने वाले, तो मैं इसे बैड न्यूज मानता ही नहीं हूँ। और बहुत सारे लीडर हैं वो इसे बैड न्यूज नहीं मानेंगे। बस ये है कि BFI नेटवर्क हमारा पहला प्यार की तरह है, और जब वो बंद होगा तो थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ही, जब उसमें स्टेकिंग वगैरह बंद होगी। फिक्र है, BFIC आपको प्यार के बदले प्यार देने जा रहा है जी। मेरे ये वर्ड याद रखनी है कि BFIC नेटवर्क आपको प्यार के बदले प्यार देने जा रहा है। बेशक सर, बेशक सर, हम काफी एंजॉय कर रहे हैं सर, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनके सर काफी गर्व महसूस होता है कि ये ऐसी कंपनी के साथ हैं जो हमारे साथ इतनी लॉयल है, हमारे बारे में इतना सोचती है, एंड यूजर तक के बारे में सोचती है। और आने वाले सर आपने जो फुल ऑन प्रोजेक्ट बताया ना सर, मुझे वास्तव में लगता है सर ये एक बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाला है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे पहली बार कोई डिसेंट्रलाइज तरह से OTT प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से फुल ऑन काफी बड़ा प्रोजेक्ट रहने वाला है, जैसे कि आपने बोला है सर। मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ सर सारे प्रोजेक्ट का। हम कंपनी के साथ बने हुए हैं, कम्युनिटी से बस ये कहेंगे कंपनी के साथ बने रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा कमा लेंगे कि आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। इनफैक्ट जो होने जा रहा है ना, थैंक यू सर, फर्स्ट से पांच तक जो होने जा रहा है ना, कोई जाने का सोच भी नहीं सकता, बेफिक्र रहें। ये तो आपको सरप्राइज जब मिलेगा तो फिर पता चलेगा कि क्या हो गया, क्या कर दिया इनोवेशन फैक्ट्री ने। जी रॉडी जी आपका माइक ऑन। जी सर, पहला को सर, सर वेलकम सर। जी सर, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी आज की डेट में जो भी कमाया ना वो आपकी बदौलत सर। मैं तो फर्स्ट डे से जुड़ा हूँ। हाँ जी। और आज की लाइफ में मैं ऐसा जी रहा हूँ जो मेरे तहसील में कोई नहीं जी रहा ना, ऐसी मैं मेरी मेरी लाइफ है सर। अभी और अच्छी होने जा रही है। जी हाँ जी सर, मुझे भरोसा है सर। और आज तक 12 महीने पहले जिल्लत भरी जिंदगी हम जी रहे थे, आज मेरा जो नक्शे कदम है ना वो सारा का सारा चेंज हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। और 5 जनवरी आप बता रहे हो ना, इसके बाद में तो ऐसा मतलब मेरा जीवन या पूरी कम्युनिटी का जीवन सारा का सारा चेंज हो जाएगा सर। देखते जाएं आप बस। जी सर, थैंक यू सर। फर्स्ट को देते हैं आपको बड़ी गुड न्यूज, थैंक यू जी। गौरी, बिगेस्ट फॉर एवर इनकम। थैंक यू मखान सर, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को, आप दो तीनों मेंटर्स को, ये कि इस तरह का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया पूरी कम्युनिटी को। और मुझे वो अच्छे से याद है आपकी बात जो आपने कही थी कि आप कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री के साथ बने रहें, इनोवेशन फैक्ट्री आपकी जिंदगी बदल देगी। वो अभी भी समझ में आता है, अगर किसी पर्सन ने एक कॉइन लगा के भी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ बना रहेगा तो वो उसकी लाइफ को चेंज कर देगी 101%। और जैसा कि अभी साहिल भाई ने कहा कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो इनोवेशन फैक्ट्री का हर प्रोजेक्ट बड़ा है। हम एक प्रोजेक्ट को देखते हैं तो दूसरा प्रोजेक्ट उससे बड़ा है, और दूसरे को देखते हैं तो तीसरा उससे बड़ा है। तो इनोवेशन फैक्ट्री है और इनोवेटिव चीजें लेके आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट, जो एक्चुअल में क्रिप्टो की नीड है वो चीज लेके आ रही है इनोवेशन फैक्ट्री। और मैं लास्ट में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा साथियों, दोबारा से जो मैंने भी थोड़े 3-4 दिन पहले भी कही थी, कि आप लोग सब जितने भी यूजर हैं BFIC नेटवर्क के, वो लोग 5 जनवरी जो कि उमर खान साहब ने बताया कि लास्ट डे है,
हमारी स्टेकिंग का, उस दिन हर यूजर एक एक कॉइन जरूर स्टेक करे और सोचे कि वो एक एक कॉइन को स्टेक करके क्या मिल सकता है उसे, इसके बारे में खुद अध्ययन करे, क्योंकि उसने एक साल बीएफआईसी नेटवर्क को दिया है तो उसे पता होना चाहिए कि उस एक कॉइन की कीमत क्या है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सही कह रहे हैं आप, कम से कम एक कॉइन का तो मजा लें आप जी। अब हम चलते हैं मुन्ना राज, माइक ऑन कीजिए जी मुन्ना राज जी। हेलो जी, जी मुन्ना राज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? आवाज नहीं आ रही आपकी, ब्रेक सर। इस इनोवेशन फैक्ट्री मार्केट बोले सर, इनोवेशन फैक्ट्री मार्केट तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए वेलकम सर, थैंक यू। ओके अब हम चलते हैं जी रमेश कुमार, माइक ऑन कीजिए। रमेश कुमार जी माइक ऑन कीजिए। हेलो जी, हाँ जी नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू। हाँ, जैसे हम तो बहुत लेट जुड़े हैं आपके साथ, तो हम भी चाहते हैं, चलो हमारे भी कुछ सपने हैं वो इसी कंपनी में ही पूरे हो सकते हैं, बस इतना कहना था सर। पूरा विश्वास रखे इस कंपनी पे, मेरा ये कहना है। बस अगर लेट जुड़े हैं ना तो अपना वो क्या कहते हैं, कमर बांध लें 1 जनवरी से, ठीक है? समझे कि आप कहेंगे कि बस यही मेरी जिंदगी का मकसद था और मैं बड़े अच्छे टाइम पे आ गया हूँ। कहाँ पे थे, कौन थे लास्ट कॉलर, किसकी बारी अब? राम बाबू विश्वजीत मिश्रा जी, विश्वजीत मिश्रा जी जी, माइक ऑन कीजिए जी विश्वजीत जी। विश्वजीत मिश्रा जी माइक ऑन करना पड़ेगा आपको खुद से। अच्छा चले आगे चलते हैं जी हम। मुश्ताक अहमद साहब जी, मुश्ताक साहब लटन जाफरी जी कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जब आप पसंद है तो आपकी हर पसंद पसंद है सर, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे जिन साथियों ने इनोवेशन फैक्ट्री पर भरोसा किया और उस भरोसे पर आप हमेशा खरे उतरे, इसके लिए थैंक्स। दूसरी बात, बीएफआईसी नेटवर्क हमारा पहला प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन हमारे शायद किसी साथी को इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि वो पहले से ऐलान है कि हमको कितना पॉइंट कहाँ बांटना है। और ये बहुत ही खूबसूरत लैंडिंग कहा जा सकता है सिस्टम के लिए, कि एक सिस्टम ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने एक बहुत खूबसूरत लैंडिंग किया है। और अब क्वाइन का रेट जो हमारे साथी बार बार पूछा करते थे, रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, अब उनको दिखाई पड़ जाएगा। और मैं तो बस अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत सारे लोग लाइन में हैं। एक छोटी सी मिसाल दे करके, हमारे एक साथी का कहना है जो अक्षरशः सत्य है कि इनोवेशन फैक्ट्री बंबई की लोकल ट्रेन है, उस ट्रेन को जिसने भी पकड़ लिया उसके कामयाबी या उसको डिब्बे के अंदर जाने की गारंटी है। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू। ओके अब हमारे ये हिंदी में नाम है, मुझे नहीं पता क्या नाम लिखा हुआ है। विश्राम जी, मिस्टर विश्राम। विश्राम जी माइक ऑन कीजिए अपना। विश्राम ओके जी। ज्ञान सिंह जी, जी विश्राम जी बोले। जी सर, ज्ञान सिंह जी माइक ऑन कीजिए आप अपना। ओके शरीम, ये क्या जी, माइक ऑन कीजिए जी। श्री राम यादव ओके, कौन आ गया? कौन? अच्छा अच्छा, प्रशांत अग्रवाल माइक ऑन कीजिए जी।
ज्ञान सिंह जी आ गए हैं सर। अच्छा प्रशांत जी भी आ गए हैं, श्री राम जी भी आ गए हैं। चले एक एक करके बात करें प्लीज। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, हम सोच रहे हैं आपसे भगवान से बात कर रहे हैं सर। मैं बहुत खुश हूँ इनोवेशन फैक्ट्री में आकर के। थैंक यू। जी जी आपसे बात हो रही है। जी क्या कहना चाहेंगे सर? सर हम यही कहना चाहते हैं जो जिन्होंने हमें इस इनोवेशन फैक्ट्री में लाया है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी। थैंक यू। बिल्कुल बनता है जी, बनता है। जी जी आजकल के दौर में अगर कोई हमें कामयाबी का रास्ता दिखा देना, यही बहुत बड़ी बात होती है। कामयाब करवाना तो एक बात की बात है, लेकिन अगर सिर्फ कोई रास्ता दिखा दे वही हमारे लिए जो है वो हमारा एक कह लें कि टीचर है या हम उसके उपकारी होते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सर जी। प्रशांत अग्रवाल जी, माइक ऑन, आपका माइक ऑन है, बोलिए सर। नमस्कार जी सर, आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है आज मीटिंग में। थैंक यू जी, वेलकम सर। बड़ी खुशी होती है बीएफआईसी से जुड़ के। मुझे करीब नियर अबाउट 6 से 7 महीने हो गए जुड़े हुए और काम कर रहा हूँ मैं लगातार, और बड़ा अच्छा और बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो केवल देना ही जानता है। थैंक यू। थैंक यू। हर बंदा अपना अपना नसीब लेता है और ये ऊपर जो चीज नसीब में लिखी होती है ना इंसान को वो ही मिलता है। बस ये है कि इंसान इंसान का सहारा बनता है। इसके लिए हम भी ऊपर वाले के शुक्र गुजार हैं कि उसने हमें बेहतरी के लिए लोगों की एक वसीला बनाया। जी सुल्तान फारूकी, माइक ऑन कीजिए। हीरा लाल जी, हीरा लाल जी माइक ऑन कीजिए। हेलो जी हीरा लाल जी। वो बहुत ही काबिल तारीफ है क्योंकि हर कम्युनिटी के लिए दूसरा जी सर ने भी कहा अभी का वक्त गुजर चुका है, अभी एक्शन का टाइम है। और जिस प्रकार से नवल सर ने जितने भी कि अपने एक राजस्थान के अंदर बड़ी मीटिंग होने वाली है और महाराष्ट्र में और दिल्ली में जितने भी हम लीडर हैं, सभी लीडर अभी तैयारी कर रहे हैं हर मीटिंग के लिए, क्योंकि जिस ने कहा था कि जैसे समय नहीं है अभी बातें करने का, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। अभी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी लीडरों को मिल करके हम आगे बढ़ें। और मैं सभी लीडरों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम सब मिल करके आगे बढ़ें। हम सब आगे बढ़ेंगे मिल करके और अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाएंगे तो अपनी कंपनी भी आगे बढ़ेगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। चले जी 2-3 कॉलर और लेंगे जिनमें से एक ये रमेश जी हैं। जी माइक ऑन कीजिए रमेश जी। गुड इवनिंग सर, मेरी नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो सर, मेरी आपसे सेकंड टाइम बात हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ सर इनोवेशन फैक्ट्री से, और मैं सबसे पहले आप तीनों मेंटर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, और मेरी अपलाइन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबसे पहले तो मैं डाउनलाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। लेकिन आज तक मैंने मेरे 180 लोगों की टीम है सर, तो किसी ने मुझे आज तक कोई मुझे सर कंप्लेंट नहीं किए, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और इनोवेशन फैक्ट्री का भी कोई प्रॉब्लम मेरे डाउनलाइन में कुछ आया नहीं सर, और मैं 1 साल से हूँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ सर। और अभी आप जो बोल रहे हैं ना सर कि इनोवेशन फैक्ट्री सर सही में सर वाकई में समझ में नहीं आती है सर, मुझे भी एक कंफ्यूजन हो गया था सर कि मैं अभी जो कम्युनिटी बढ़ाने की है तो अभी स्टेकिंग बंद हो जाएगी तो कम्युनिटी कैसे बढ़ेगी। लेकिन आपने जो बात की ना सर तो मुझे जवाब मिल गया, इसलिए मैं आपको इसलिए मैंने हाँ हैंड रेस किया था सर, लेकिन मुझे जवाब मिल गया सर। ये समझे कि आपकी इनकम, जब वो कहते हैं ना कि शेर अगर 2 कदम पीछे होता है ना तो इसका मतलब है कि वो आगे बड़ी जंप लगाने जा रहा है, तो अगर इसको बंद किया है तो इसका मतलब कि अब सारे लोग जो है वो बड़ी इनकम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।
अब हम चलते हैं जी, नीचे चलते हैं, नीचे से भी एक दो कॉलर लेते हैं और फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं हम। नीचे हैं जी दीपक जी, माइक ऑन कीजिए अपना। दीपक, दीपक जी। हेलो जी, दीपक जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आपसे प्रथम बार बात कर रहा हूं सर, और खैर इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। और सर मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनोवेशन फैक्ट्री के लिए और आपके लिए सर। सर थैंक यू, बस इतना कहूंगा कि धन्य है वो माँ और बाप जिन्होंने आपको इस धरती पर उतारा इतने लोगों के कल्याण के लिए, बस इतना है सर, बाकी कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। थैंक यू सर, आपके जो ये जो शब्द है ना, यही सबसे कीमती शब्द है, आपने दिल जीत लिया। थैंक यू वेरी मच, बाकी कुछ नहीं कहेंगे सर, सफल हो गई है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे योद्धा को उतारा इतने लोगों का कल्याण करे, जीवन ही सर बदल दिया आपने। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, दिल जीत। कुछ क्या कहूँ सर, बस इतना ही सर। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप भी। आमीन आमीन, क्या करें। ओके हनुमान जी, माइक ऑन कीजिए जी। हनुमान मीना। हेलो सर। हेलो सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। सर थैंक यू सर, मैंने एक सवाल है। बताएं। जो आप स्टेकिंग और साइन अप बंद कर रहे हो 5 तारीख को, आप इसमें जो स्टेकिंग कर रखा है फिर वो रिलीज हो जाएंगे, फिर स्टेकिंग कर सकेंगे क्या? नहीं, फिर नहीं कर सकेंगे ये, बस अभी जितना करना है कर लें 5 तारीख तक, उसके बाद दोबारा रीस्टेक नहीं कर सकते। वो फिर आपके पास बाकी प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, आप वहां पे करके अर्निंग कर सकते हैं। सर ये पूछना था, वो क्या है, कुछ लोग पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा फर्स्ट को आंसर मिल जाएगा सबको, कि अब उन्होंने आगे क्या करना है। फर्स्ट तक 5 तारीख तक इसके ऊपर फोकस करें। चलिए जी, मेरे ख्याल से अब हमारे जो 2-4 मेन लीडर हैं उनसे हम डिस्कस कर लें, बाकी तो हम कम्युनिटी से काफी ज्यादा कर लिया है। तो हमारे हैं जी इसमें मेन लीडर्स में बड़े हमारे शवेश जी तो हैं ही हैं, ज्योति राम जी किधर गए। हाँ जी सर, आप अनम्यूट है जी, माइक ऑन कीजिए अपना। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जो धमाका देना था आपने दे दिया, मतलब जिसका इंतजार था। अच्छा, इसका भी इंतजार था। हाँ सर, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया था जिसकी शुरुआत होती है उसका एंड होना ही है। बिल्कुल, तो लेकिन अच्छी बात तो क्या होती है कि अगर आपके पास एग्जिट का रास्ता हो, अगर एग्जिट का रास्ता ना हो तो वो एंड एंड नहीं होता फिर। यस सर, यस सर, यस। इसीलिए तो मतलब सभी आपको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, आपकी आपको पूछते हैं लोग, इसीलिए तो आप आगे आके सबकी मतलब दिलों में बैठ गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इंसान रहने दे, इंसान बन जाए आजकल के दौर में, वही बहुत बड़ी बात होती है। आप तो बहुत ऊपर वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं जी, हमारे किंग खान साहब नहीं नजर आ रहे जी। बंसीलाल जी माइक ऑन कीजिए। हेलो जी सर, क्या कहूं अब, क्या कहूं, जो 2 साल आपका माइंड में पढ़ रहा था। आप मेरा माइंड पढ़ रहे थे। आज एक बार बहुत बड़ी बात कह दूं, मैंने पहला क्राउन मेंबर दिया आपको, मिलिंद पाटिल, और मेरे बड़े भाई है। मिलिंद जी नजर ही नहीं आ रहे हमें। वो मेरे बड़े भ्राता है, मौजूद है, आप नाम सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा जी, सही है। ये तुम्हारा छोटे भाई का वसूल था, कभी आया नहीं, कोस्ट बना नहीं, आप जानबूझ के बनाना चाहते थे, लोग लड़ते थे, मैं लड़ता नहीं था, बस सही।
नहीं, आप हमारे पुराने साथी हैं और पहले दिन के साथी हैं जी, आप तो सिर आंखों पे हमारे। मिलन जी भी माइक ऑन कर सकते हैं अपना। आज मेरे उनको कम्युनिटी उनको दिए उन्हें मैंने कि भाई वो पहले अपने टेक्निकल गुरु हुए हैं, बाकी मैं तो नीचे फील्ड वाला आदमी हूं मैं। अब मेरे जिम्मे काम तो अब आप दे रहे हो, बंसी भाई भिड़ जा, बस रेडी हो जाए बंसी भाई, बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है अब फर्स्ट से। तैयारी इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। हाँ जी हेलो जी 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 राज बस मेरे बड़े भाई है ना मिलिंद भाई को उनसे बात करो आज आप। जी जी मिलन जी आप माइक ऑन करें जी। जी थैंक यू उमर भाई, थैंक यू बंसी भाई, थैंक यू एवरीवन। जी मैं तो जितना बोलूं उतना कमी है इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में, क्योंकि डे फर्स्ट से हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में खड़े हैं, आपके साथ में कर रहे हैं, और हर आपका जो भी डिसीजन रहा उसमें जो है वो पूरे ट्रिप एक दो की नहीं, पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में जितने भी लोग हैं उनके परिवार की और परिवार के अलावा उनके पूरे कुंबे की बेहतरी रही है, और जो इनोवेशन के साथ में रहेगा सिर्फ खड़ा रहे। अभी कोई हमारे बहुत अच्छे भाई थे, उन्होंने एक बात की जैसे मुस्ताक अहमद साहब ने कि ये लोकल के भीड़ में खड़े हो जाए, लोकल ट्रेन के भीड़ में जैसे मुंबई में, तो अपने आप को वो ट्रेन के डिब्बे में बिठा देंगे, आपको चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना उतरने की जरूरत पड़ेगी। तो या चढ़ने वाले लाइन में आप खड़े रहेंगे बैठ जाएंगे तो आपके डेस्टिनेशन तक आपके गंतव्य तक आपको पहुंचा देगी। तो इनोवेशन फैक्ट्री एक वो जर्रा है जो जरिया है कि इसके बारे में कोई समझ नहीं पाएंगे, जैसे हमारे उमर भाई बोलते हैं कि समझ में आती है लेकिन दिमाग में नहीं, सॉरी दिमाग में आती है लेकिन समझ में नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ये सिर्फ अभी एक झलक थी, अभी जो हमने देखी है BFIC नेटवर्क, ये एक झलक थी। आज इस BFIC नेटवर्क ने ऐसा जलवा करके दिखाया है कि एक कॉइन भी जिसके पास में है वो पता नहीं क्या कितना रहेगा उसका असेट आने वाले 4-5 साल। आप अपने पास एक कॉइन रख दीजिए सिर्फ तो उसका असेट कितना रहेगा वो भी नहीं सोच पाएगा, उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उनको सलाम करेंगे कि यार मेरे पापा ने मेरे मम्मी ने मेरे भाई ने हमारे लिए एक BFIC कॉइन रखा, क्योंकि अनबीटेबल कॉइन है ये BFIC। आज क्रिप्टो की पूरी हिस्ट्री में देखा जाए जिनको भी क्रिप्टो का नॉलेज है तो ये अनबीटेबल कॉइन आ चुका है। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बाकी सारे भी लोग हैं, और थैंक यू उमर भाई आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू। संजय वर्मा जी आपका माइक ऑन है। संजय परदेसी जी किधर है, किस नाम? थैंक यू सर। फ्रेंड्स देखिए बहुत सारी बातें उमर भाई ने बता दी है, आप लोगों को पहले भी न्यूज मिल चुकी है, चूंकि कोर टीम की मीटिंग हो चुकी थी, बातें आ गई थी और आज ऑफिशियल सर ने अनाउंस कर ही दिया, आप लोगों को मिल गया है। यहाँ पे आकर के लीडर साहब को बार बार कह रहे हैं और उमर भाई ने भी एक स्लोगन लिखा था कि फाइनल कॉल, ऐसा आपने बहुतों बार सुना है कि ये चीज हो रहा है ऐसा हो रहा है। कभी कभी क्या हुआ हमारी कंपनी के साथ में ऐसा हुआ कि हमने किया प्लानिंग, किया प्लानिंग करने में थोड़ा डिले हुआ, तो आप वो डीलों को उस डीले को आज मत कंपेयर करिएगा कि बहुत बार कहा गया और वो चीजें नहीं पाई, क्योंकि ये फाइनल कॉल ऐसे नहीं दिया उमर भाई ने, बड़ा सोच समझ के दिया स्लोगन, और जो चीजें है ना एकदम एंड पॉइंट पे है, डिलीवर होने को है, जैसे अभी बताया ना उन्होंने कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको पता नहीं, हमने नाम सुना नहीं है, 4-5 प्रोजेक्ट ऐसा बताया हम लोगों को, हम लोग छोटी सी झलकी कल कोर टीम की मीटिंग में एक छोटी सी झलकी निकली थी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का, अपने आप में एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है, जिसे अभी बड़े इजीली वे में उमर भाई ने कह दिया कि 5-10% है अगर आप जान जाओ समझ जाओ। जी सर नमस्कार, हेलो जी जी हेलो, एक सेकंड जी सर जी करिए बात जी। तो ये समझ लीजिए कि ये जो फाइनल कॉल है ना, जो उमर भाई आज 3 महीने से बोल रहे थे 90 दिन का टाइम पीरियड, वो 90 दिन भी समाप्त हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपने इस चीज को हल्के में लिया, एक चीज बता दो, छोटी सी कहानी आपने हमेशा सुनी होगी जो मुझे लगता है कि आज सुनाना चाहिए था और मिस हुआ है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आपने सुना होगा कि एक गाँव में
जंगल में एक गांव था, वहां पे हमेशा ये होता था कि शेर आया आज शेर आने वाला है। लोगों ने पहले दिन सुना कि आज शेर आने वाला है, सब लोग घर में छुप गए, भाई शेर रात में आता है शाम को आता है, नहीं आया। दूसरे दिन यही किसी ने कहा भैया आज तो फाइनल आएगा कल नहीं आया तो, क्योंकि आज भूखा होगा। दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया, ऐसे करके 10 दिन 15 दिन निकल गए। फाइनली किसी ने शेर को गांव के किनारे देखा, बोला भाई आज मैं देख रहा हूँ वो आसपास ही घूम रहा था, आज बिल्कुल बाहर ना निकला, लेकिन लोग इतने इजी वे में हो गए, और इजी वे में हो करके क्या कि वो फाइनल बाहर रहने लगे, बाहर उनको आदत हो गई। वो बोले नहीं नहीं इग्नोर करो, ये चीजें होती नहीं है। और उस दिन वो शेर आया जंगल में, और उसका खामियाजा बहुत सारे लोगों ने भुगता। ऐसा आपके साथ ना हो, स्ट्रेटेजी को समझिएगा। बहुत सारी चीजें लाइन अप हो चुकी हैं, अगर बात है 5-7 दिन की और वेट कर ले, रोक ले अपने आप को, रोक सकते हैं तो। और यहाँ पे एक अच्छी बात जो मुझे पूरी चीजों में अच्छी जो लगी ना, एक भाई ने कहा कि कम से कम एक कॉइन स्टेक करना। उमर भाई ने कहा कि अगर आपको पता चल जाए तो इसको कोल्ड वॉलेट में डाल दोगे, तो BFIC नेटवर्क वही कोल्ड वॉलेट है। 1 साल के लिए आप कॉइन अपने आप नहीं रख पाओगे, कोई ना कोई नीड आई जाती है, कोई ना कोई आवश्यकता आई जाती है, आप उसको सेल आउट कर जाओगे। BFIC नेटवर्क में अगर आपने 1 साल के लिए डाल दिया, तो ये विश्वास माने कि 1 साल बाद ये एक क्वाइन, जो भी क्वाइन आप स्टेक करोगे, जब वो रिलीज होगा ना, तो आपकी जितना भी इनकम है वो सब फीकी होगी उस दिन, जब 5 तारीख को जो आप स्टेकिंग करोगे वो जब रिलीज होगा 400 दिन बाद, उसका प्राइस आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सी यूटिलिटी आ रही है। चलिए काफी टाइम हो गया, थैंक यू उमर भाई, और आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, मेरे ख्याल से अब हमारे साथ आखिरी जी हम लेते हैं जी कर्नाटका जी, माइक ऑन कीजिए। थैंक यू मच सर, और मेरे ग्रेट अपलाइन मिलिंद दादा और ज्योतिराम सर, सबको मेरा प्यारा नमस्कार। और मुझे इस अपॉर्चुनिटी दिया मिस्टर शेखर ढेरेवाल सर, आप आज उनका मैं याद कर लेता हूँ, क्योंकि आज का मीटिंग ऐसा जबरदस्त रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये चीज आज मुझे मेरे हाथ में है। और पिछले 8 महीने से जब से मैंने जूम मीटिंग लेना चालू किया है 3 बजे वाली, मिलिंद सर की स्पॉटन टीम में रह के, तो तब से मैं बोल रहा था सबको, देखो भाई आज आपके पास प्राइस जो भी है उसके बारे में कभी सोचो मत, पर आपको लगा $10,000 में भी अगर एक BFIC परचेस करने के दिन या नौबत आपको आई, तभी भी 100 BFIC परचेस कर लेना। ये मेरी वर्ड थी, और ये हमेशा से मैं कहता आया हूँ, और ये होगा भी, ये आज की मीटिंग के बाद नहीं, मैं इससे पहले भी सोचते आया हूँ कि BFIC होगा एक ऐसी चीज शायद किसी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा हो, अपने क्रिएटर ने उस सपने से आगे और 10 गुना आगे 100 गुना आगे सोच के रखा है, तो ऐसी एक चीज है। तो आज आपको शायद पता चलता होगा थोड़ा बहुत कि हमको अभी खत्म होते आया, अभी सबको परेशानी होती होगी, बस ये चीज मुझे ऐसा लगता है ये पहले कर देना चाहिए था, ठीक है। अब हो रही है तो अभी तो जाग जाओ, नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप जैसे अपने गौरी सर ने बताया, एटलीस्ट 5 तारीख से पहले हर किसी ने एक एक कॉइन अगर शेकिंग करने की सोची, शायद वही आपकी जिंदगी की एक आखिरी किरण होगी जो आपको कुछ दिला सकता है। बस इतना ही है सर, BFIC के बारे में कभी अंडर एस्टिमेट कोई मत करो, या किसी को करने भी मत दो, अगर कोई करता है तो उसको एटलीस्ट एक क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दो कि BFIC क्या होने वाला है फ्यूचराइज में। तो इतना ही मैं सारे कम्युनिटी को कहना चाहता हूँ। थैंक यू उमर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। लास्ट कॉलर हमारे, ये क्या नाम है उसका, किधर गए जी, जयवीर सिंह सर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अनम्यूट करने के लिए। मेरा एक थोड़ा सा लास्ट, ये सेकंड मीटिंग है मेरी आपके साथ में, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि iOS का अपडेट अभी तक नहीं आया, 3 महीने हो गए हैं इसको, तो अभी तो क्या किसी फ्रेंड का लेके स्टेटिंग उसमें कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी का iOS वालों का मिस भी हुआ है ना रिवॉर्ड iOS की अपडेट की वजह से, तो जी 400 डेज की इनकम उनको पूरी आएगी, बेफिक्र हो जाएं। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। कल